और अब बात नौसेना की, जिसकी ताकत में कई गुना इजाफा होने जा रहा है। नौसेना अपने बेड़े में ऐसे स्वदेशी ड्रोन्स को शामिल करने जा रही है जो दुश्मन को पानी के अंदर ही खोजकर उन्हें तबाह कर देंगे। नौसेना 75 ऐसे हथियार और तकनीक को आने वाले दिनों में शामिल करेगी जो पूरी तरह स्वदेशी है और बेहद घातक, सटीक और मारक है। समंदर के अंदर दुश्मन की खुदेगी कब्र, पानी के अंदर ढूंढ ढूंढ कर दुश्मन का होगा खात्मा, रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम अब एक और अहम मुकाम हासिल करने वाले हैं। भारतीय नौसेना जल्द ही मेड इन इंडिया हथियारों और तकनीकों से लैस होने वाली है जो दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। भारतीय नौसेना आने वाले दिनों में अंडर वाटर स्वान ड्रोन का इस्तेमाल करेगी जो समुद्र के अंदर ही दुश्मनों को खोजकर उनकी समाधि बना देगा। समंदर में कई हजार किलोमीटर तक ये ड्रोन निगरानी और पेट्रोलिंग करते हैं, जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला कर निस्तोनाबूद भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन लेजर्स, मल्टीपल फायर फाइटिंग सिस्टम, ऑटोनोमस वेपनाइजर बोट स्वान जैसे छोटे ड्रोन से भी भारतीय नेवी लैस होगी। नौसेना 75 ऐसी नई तकनीक को शामिल करने वाली है जो पूरी तरह स्वदेशी है, मारक, सटीक और घातक है। इन हथियारों और तकनीक को भारत में ही कंपनियों ने बनाया है। हमारा जो है आत्मनिर्भरता बढ़े, हमने पूर्व फैसला किया पिछले एक साल में करीब 75 टेक्नोलॉजीज का हमने चुनौती उठाई थी। उस वक्त सारी 75 टेक्नोलॉजीज इस वक्त डेवलप हो रही है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें पूरा जो है इसका हौसला है कि हर एक जो है इसमें से एडवांस प्रोडक्ट में डेवलप हो जाएंगे। वो इनको जो है आने वाले 6 और 12 महीने में हम नौसेना में इंडक्ट कर सकेंगे। नौसेना आत्मनिर्भर भारत के तहत 2030 तक पूरी तरह स्वदेशी होना चाहती है, इसलिए उसने 75 नई तकनीक का चुनाव किया। उसके बाद निजी कंपनियों को बनाने की जिम्मेदारी दी। ये सभी कंपनियां एमएसएमई का हिस्सा है और पूरी लगन और मेहनत से वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाई है। जो चल रहा है इसका जो क्रिटिकल मास हम क्रॉस कर चुके हैं पिछले एक साल का जो इंटेंस एफर्ट है, इसमें मैं बधाई देना चाहूंगा सिर्फ नौसेना को, खासतौर की वो सारी हमारी जो एमएसएमई है जिन्होंने इतना प्रयत्न किया है, जिन्होंने इतना जो है इनोवेशन दिखाया है। और हमने जो इनपे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे हमने इनको कंडीशंस हमने रेस की थी अपनी तरफ से, जो कि कोई किसी में अगर थोड़ा कम साहस हो या कोई थोड़ा निर्मल दिल का हो शायद। इस मिशन का एक प्रोग्राम चल रहा है स्वावलंबन 2023। इसका दूसरा सेमिनार 4 से 5 अक्टूबर को नौसेना भारत मंडपम में करेगी। नौसेना ने AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है, जिसे रक्षा मंत्रालय ने अप्रूव भी कर दिया है। इन हथियारों के आने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भारतीय नौसेना जिस 75 टेक्नोलॉजी को शामिल करेगी उसमें अहम है स्वार्म ड्रोन। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, इसीलिए उसे अपनी समुद्री सरहद की निगरानी के लिए स्वार्म ड्रोन की जरूरत पड़ती है। वो समझिए कैसे। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स को अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स भी कहते हैं। अंडर वाटर यानी पानी के अंदर काम करते हैं, इसमें किसी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन हथियारों को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, पहली रिमोट से चलने वाली अंडर वाटर व्हीकल और दूसरी ऑटोमेटिकली अंडर वाटर व्हीकल, यानी खुद से ये फैसला लेते हैं। फिलहाल रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। देखिए, इसे एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये हथियार समुद्र में निगरानी और पेट्रोलिंग के काम आते हैं, जरूरत पड़ने पर इनसे हमला भी किया जा सकता है। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन्स का वजन कुछ किलो से लेकर कुछ हजार किलोग्राम तक हो सकता है और इनसे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, समुद्र में कई हजार मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। इसीलिए इसकी जरूरत इसीलिए और भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि चीनी सेना हिंद महासागर में निगरानी के लिए लंबे वक्त से अंडरवाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करती आई है। चीन इसके जरिए हिंद महासागर में भारतीय जहाजों की जासूसी भी कर सकता है, इसीलिए भारतीय नौसेना भी अंडरवाटर स्वार्म ड्रोन्स का बड़ा बेड़ा तैनात करने जा रही है।